हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, दूध और पराठे, अचार भी है, बटर भी है, सब कुछ है जिसके साथ भी खाना है। तो ये हो रहा है ब्रेकफास्ट। जनाब चल पड़े अब ऑफिस के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। मेडिसिन ली थी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर है। अभी जस्ट वो निकले ऑफिस के लिए। हाय, यहाँ पर ऑलरेडी कपड़े टांगे हुए, मेरे कपड़े धोने अभी। अभी साफ़ सफाई करूँगी और फिर कपड़े धोने। आज तो पूरा दिन उसी में ही निकलने वाला है। कोई नहीं, आराम आराम से करेंगे पूरा काम। फिर मेरे पास ना अपना काम भी है थोड़ा बहुत, मैं आज वो भी कंप्लीट करूँगी जैसे तैसे करके फटाक से। मैं ऊपर ही देखने आई थी और वो भी निकल गया अभी। चलो नीचे चलते अब। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, मतलब मैं अगर अभी कपड़े धोने लग जाऊँगी ना तो जल्दी फ्री हो जाऊँगी। फ्री इन द सेंस कि सूख जाएंगे कपड़े, फिर आ जाएंगे नीचे। तो सबसे पहले हम कपड़े ही डालते हैं धोने के लिए। और अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजने के लिए भी टाइम है। अभी हो जाऊँगी मैं जल्दी फ्री। फाइनली कपड़े धो के तो मैं फ्री हो चुकी हूँ और लाइट जा चुकी है। भगवान, नीचे भी अंधेरा ही है तो सोच रही नीचे भी क्या करना, धूप भी इतनी तेज़ है तो लाइट भी कब से लेकर गई हुई है। लाइट लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। लैंटर पे भी नहीं रह सकते, इतनी तेज़ धूप है। चलो नीचे ही चलते हैं। मैं नहा भी गई और अभी तक लाइट नहीं आई है। मैंने कहा ना जाती हूँ आराम से, आई जाएगी लाइट, बट लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है यार। ऐसी भी कैसी लाइट गई, और ये कौन से टाइम की लाइट गई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से कोल्ड ने मेरे को दुखी कर दिया, दुखी। चलो बिस्तर में बैठते, बाहर रह नहीं सकते, धूप यार धूप। तो फाइनली लाइट आ चुकी है, 5:15 तक लाइट आई। आई थिंक मतलब कि ये समझो क्या, जहाँ पर कट था तभी लाइट गई हुई थी, सुबह से लेकर अब भी आई है लाइट। और मैंने क्या कहते हैं, चने ऑलरेडी चढ़ा दिए पकाने के लिए। मैंने सुबह ही भिगोने के लिए रख दिए थे, अच्छे खासे फूल गए थे, और अभी मैंने चढ़ा दिए तो वो भी आ जाएंगे। वो लेट ही आते हैं, 6:30, कई बार 7:15 तक, क्योंकि जिस हिसाब से ऑफिस से फ्री होते हैं तो जब तक वो आएंगे तब तक तो मैं हो जाऊंगी डिनर बना के फ्री। अभी मैंने वो चढ़ा दिए चने, खुद मैं तड़के की तैयारी करती हूँ और साथ में मैं इंडक्शन पे चावल बना देती हूँ, क्योंकि इस वाले चूल्हे पे तो मैंने वो कर दिया ना, तो इंडक्शन पर मैं चावल बनाती हूँ क्योंकि जल्दी बन जाएंगे वो, फिर तड़का काट लूँगी। मैं डिनर बना के फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं बैठी हुई हूँ बिस्तर में। मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है ना, आ गई ये भी शायद, मैंने कर्टन लगा के रखा है। हाँ ये भी पहुँच गए। सर घूम रहा है, आंखों में दर्द हो रही है भगवान। इतना दिन भर इतना गंदे वाला बुखार था, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ऐसा लग रहा है भाई, पता नहीं शरीर टूट जा रहा है। लाई मेडिसिन आपने? कल जो मैं लेके आई थी ना, उन दवाई से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा यार। उसको मैंने बोला भी था मेरे को ये वाली दवाई दे दो, बोलते ये वाली ज़्यादा इफेक्ट करेगी। चलो आज ये वाली खाऊंगी, देखते हैं इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता।
क्योंकि नहीं तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है। मेरे को तो लग रहा है भाई ज़िंदगी में पहली बार मैंने महसूस किया होगा कि बुखार किसको बोलते हैं, मतलब मेरे को था आज बुखार, मतलब खुद को पता लगा, अदरवाइज पता ही नहीं लगता था। तो अभी 8 बज रहे और हम लोग डिनर करने लग गए, मतलब यहाँ देखो डिनर ले आया है, तो हम लोग अब बस डिनर करेंगे क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मतलब मेरे को ना मेरे को खुद को महसूस हो रहा है, मेरे को फीवर हो रहा है बहुत गंदे वाला, इतनी गर्मी सी हो रही है, इतना अजीब सा हो गया है, पूरा शरीर सा तप रहा है। और मेरे को ना पहली बार हुआ ये फीवर, मेरे को इतना तो पता है क्योंकि ऐसे पहले मेरी हालत ऐसी कभी नहीं हुई, बड़ा अजीब सा हो गया है। अब तो ना बस फटाफट से डिनर करते हैं और मेडिसिन लेती हूँ ताकि मैं सो जाऊँ टाइम से, तो हो रहा है ना बहुत ही अजीब हो गया है। तो मैंने छोले बनाए हुए, मतलब काले चने बनाए हुए, चावल हम लेके आए हुए हैं, बस अब हम लोग डिनर करेंगे। तो डिनर करके फ्री हो चुके हैं और अब मैं मेडिसिन लूँगी बस थोड़ी देर में। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।